हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कायनाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की चटपटी टिक्की। इसे बनाने के लिए हम आलू, मस्टर्ड ऑयल, पुदीने की पत्ती, धनिया की पत्ती, ग्रीन चिली, ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट लेते हैं। अब हम पुदीने की पत्ती, धनिया की पत्ती और ग्रीन चिली को अच्छे से धुल लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पुदीना, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती को बारीक चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे चाकू से भी बारीक काट सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से चॉप हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बॉयल आलू लेंगे और उसे मैश कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश करेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए तो इसमें चॉप किया हुआ पुदीना, हरी मिर्च, हरी धनिया डाल देंगे। नमक और काला नमक भी डाल देंगे। अब इन सबको आलू में अच्छे से मिला देंगे। देखिए ये अब आलू में अच्छे से मिल चुका है। हम हाथों में हल्का सा तेल लगाकर इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। ये देखिए हमने सारी टिक्की बना ली है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उस पर तवा रख देंगे। इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। ऑयल को पूरी तरह से गर्म होने दीजिए। अब ये गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इस पे टिक्की डाल देंगे। अब हम टिक्की को आराम से पलट देते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है।
अब हम टिक्की के चारों ओर मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से हो जाए। अब ये दोनों साइड से अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इमली की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही मजेदार होती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कायनात्स किचन।